फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी से ऐसी सब्जी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से सब्जी भी पत्ता गोभी से हम बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो सबसे पहले हमें पत्ता गोभी से पत्ते उसके अलग कर लेने हैं, आप जितना चाहे उतने पत्ते अलग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 पत्ते अलग कर लिए थे। यहाँ पे बेसन लेंगे, नमक डाल देंगे, थोड़े थोड़े उसमें सारे मसाले कर डाल देंगे, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी प्याज, अजवाइन और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। तो इन सबको मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया है कढ़ाई में, उसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे, इसमें प्याज कटी हुई डाली, प्याज भुनने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे उसमें और 4 से 5 टमाटर डाल देंगे उसकी प्योरी बनाकर। तो यहाँ पर थोड़े सूखे मसाले लिए, वही लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और थोड़ी सी हींग। अब पत्तों पर बेसन के पेस्ट लगाकर इस तरह से बंद कर देंगे टूथपिक से और इसे छन्ने में रख देंगे। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसमें मसाले में पानी डालकर इसी के ऊपर हमें स्टीम करने के लिए पत्तों को रख देना है, फिर उन्हें काट कर इसे ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। हम 5 मिनट तक पकाएंगे, सब्जी रेडी है। तो इसी तरह की रेसिपी चैनल सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक।